गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने कल ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नेम था अवर फैमिली। और हमने फैमिली के बारे में भी पढ़ा था, कितने प्रकार की फैमिली थी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? जिसमें केवल पापा मम्मी होते हैं और बच्चे होते हैं जो एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, उन फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट थी हमारी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है? जिसमें पापा मम्मी भी रहें, दादा दादी भी रहें, चाचा चाची भी रहें, चाचा चाची के बच्चे भी रहें, बुआ भी रहें, सब एक साथ एक ही घर में रहें, तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है आपकी सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? जिसमें बच्चे केवल या तो मम्मी के साथ रहते हैं या फिर पापा के साथ रहते हैं, दोनों में से किसी एक के साथ रहें, ऐसी फैमिलीज को हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। तो ये आपकी थ्री टाइप्स की फैमिली थी। हिंदी में न्यूक्लियर फैमिली को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एकल परिवार। जॉइंट फैमिली को हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त परिवार। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका फैमिली ट्री। क्या है फैमिली ट्री? फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री मीन्स वंश वृक्ष। आपने सुना होगा, बहुत बार ये शब्द सुना होगा, पीढ़ियाँ, जनरेशंस, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं जनरेशंस, क्या होती हैं ये हम पढ़ते हैं। अ फैमिली ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो फैमिली ट्री शोज मीन्स फैमिली ट्री दर्शाता है, दिखाता है द रिलेशनशिप, क्या? एक संबंध बिटवीन के बीच डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के अलग अलग सदस्यों के बीच। तो एक वंश वृक्ष परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच में एक संबंध दिखाता है। मीन्स क्या? आपके दादा दादी हैं, आपके दादा दादी का संबंध किससे? आपके पापा पापा, आपके पापा मम्मी से। कौन है वो आपके पापा मम्मी के? वो कौन है? पापा। आपस में एक रिलेशंस है। ये तो नहीं आपके पापा मम्मी अलग हैं, आपके दादा दादी अलग हैं, आप उनको दादा दादी बोल रहे हैं ना, आपका रिलेशन है उनके साथ। अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ग्रैंड पेरेंट्स। अब जो फैमिली ट्री होता है वो किससे स्टार्ट होता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। सबसे बड़े घर में कौन होते हैं? हमारे दादा दादी। दादा दादी के बाद कौन बड़े होते हैं? हमारे पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ, फिर हम बच्चे, हमारे चाचा चाची के बच्चे। तो सबसे बड़े कौन हुए? हमारे दादा दादी, उनके बाद पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ, उनके बाद हम, हमारे चाची के बच्चे। तो इसी को हम एक फैमिली ट्री कहते हैं जिसमें अलग अलग जनरेशन्स होती हैं। तो आपके दादा दादी हैं वो कौन सी जनरेशन हुई? फर्स्ट जनरेशन। तो आपके दादा दादी के हुए वो हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन जिसमें आपके पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ये कौन सी जनरेशन में आते हैं? सेकंड जनरेशन में। एंड थर्ड जनरेशन आपके भाई बहन, आप, आपके कजिन्स ब्रदर, कजिन सिस्टर्स। तो इस तरीके से अलग अलग जनरेशन्स होती हैं। फर्स्ट जनरेशन में दादा दादी, सेकेंड जनरेशन में पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ, थर्ड जनरेशन में आप, आपके भाई बहन, चाचा चाची के बच्चे। तो ये अब फोर्थ जनरेशन होगी, कौन सी? जिसमें आपके बच्चे होंगे, तो वो होगी आपकी फोर्थ जनरेशन। अब आपके बच्चे के भी बच्चे, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। तो इस तरीके से जनरेशन चलती रहती है। दे फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन। ग्रैंड पेरेंट्स आपके दादा दादी क्या बनाते हैं? फर्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स फॉर्म द सेकेंड जनरेशन। आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, अंकल आंट, चाचा चाची, ये क्या बनाते हैं? सेकेंड जनरेशन। एंड थर्ड जनरेशन कौन बनाता है? आप सारे बच्चे। तो आया समझ में कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आखिरी जनरेशन क्या है? नाउ आगे देखते हैं। फैमिली टीचेस अस। फैमिली हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम सारी चीज़ें सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, अपने परिवार से भी सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से चीज़ें सीखते हैं, अपने दादा दादी को देखकर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अ फैमिली। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे
आई हेल्प माई मदर इन द किचन। आपकी मम्मी अकेले काम कर रही है किचन में, तो आप अगर जाएंगी तो क्या सोचेंगी, आप अपनी मम्मी की मदद करेंगी। तो इसी तरीके से आप अपनी मम्मी की मदद करती हैं, वॉश वेजिटेबल्स, कुछ भी काम कर, ज़रूरी नहीं है वेजिटेबल्स ही धोएं, आप कोई भी काम कर सकती हैं उन्हें, या फिर वो खाना बना रही हैं तो खाना बनाते समय उन्हें पानी पीना है, आप उन्हें पानी दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप उनकी बहुत सारी मदद कर सकती हैं। आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत सारी मदद करते हैं, आपके होमवर्क कराने में आपकी मदद करते हैं, आपको खाना बना कर देती हैं आपकी मम्मी। एंड लर्न हाउ टू कुक फूड, आप भी उनसे खाना सीखती हैं बनाना। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो बड़ी होकर खाना बनाना पड़ेगा आपको भी, तो आप भी उनसे खाना सीखती हैं। एंड क्लीन द टेबल आफ्टर मील्स, सबने खाना खाया और सबने खाना खाने के बाद आपने क्या किया, सफाई सीखती हैं कि किस तरीके से कमरे को साफ रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी आदतें हम अपने परिवार से सीखते हैं। We have a big garden full of green plants and flowers in our house. हम कौन से, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिया के बारे में। We have a big garden full of green plants and flowers in our house. तो मेरे घर में क्या है, बहुत सारे green plants और flowers का एक बहुत बड़ा garden है। My family taught me to water the plants every day. अब आपकी family आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं ना, आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आपको डेली उनको पानी देना चाहिए ताकि वो बड़े हों, बड़े। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, और वो बड़े होंगे तो हमारे चारों तरफ क्या रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी। आपने पढ़ा है ना कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे। तो हमें प्लांट्स की भी देखभाल करनी चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, हटाने नहीं चाहिए, काटने नहीं चाहिए। तो बहुत सारी अच्छी आदतें हम अपने परिवार से सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, आपके भाई बहन भी एक दूसरे, आप अपने भाई बहन, अपने बड़े भाई बहनों से भी अच्छी अच्छी आदतें से सीखते हैं। जैसे आप सब लोगों ने खाना खाया और खाना खा के आपके भाई ने प्लेट रखी, तो आप भी तो प्लेट रखने जाते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं। माई ब्रदर हैज़ लर्न टू वॉश अवर कार एंड कीप इट क्लीन। अब रिया के ब्रदर ने क्या सीखा, उसने कार को धोना, साफ करना, किस तरीके से कार को साफ करके रखना। अब जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे तो उन चीज़ों को हमें साफ करके भी तो रखना चाहिए ना। माई ब्रदर ऑल्सो गोज टू द मार्केट विद फादर टू बाय वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स। अब आपका भाई ऑल्सो गोज टू मार्केट विद अ फादर, अपने पापा के साथ कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, क्या खरीदने, वेजिटेबल्स खरीदने, बहुत सारे और खाने के सामान खरीदने। मोस्ट फैमिलीज फॉलो सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मोस्ट फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज, अब आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज में रिवाज होती है, सब मिलकर खाना खाते हैं, सब एक साथ पूजा करते हैं, सब एक साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं, कितना मज़ा आता है ना उस ये सारी चीज़ें करने में। तो हम अपनी फैमिली से कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। आपके दादा दादी भी वो काम करते हैं, आपके पापा मम्मी भी, सब मिलकर फेस्टिवल्स मनाते हैं। सपोज़ होली आई, अब होली पे क्या होता है, आपकी मम्मी अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, अच्छी अच्छी डिलीशियस फूड बनाती हैं, आप उनकी उस कामों में मदद भी करती हैं, सब मिलकर एक साथ खाना भी खाते हैं, सब मिलकर एक साथ एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में वो हम बहुत सारी अपनी फैमिली से अच्छी आदतें भी सीखते हैं और हमें मज़ा भी आता है। अब सम चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सम रीज़न। अब क्या होता है, कुछ बच्चे, ज़रूरी नहीं है सारे बच्चों के पास उनके मम्मी पापा होते हैं, कुछ बच्चे किसी वजह से अपने मम्मी पापा को खो भी देते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ऑर्फन्स, और इन्हीं बच्चों को हम क्या बोलते हैं, अनाथ। सम ऑर्फन्स आर अडॉप्टेड बाई सम पीपल। अब अच्छा काम क्या होता है, सपोज़ किसी के बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उन अनाथ बच्चों को गोद ले सकते हैं, उनको एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। आखिर उनके मदर फादर नहीं है, उसमें उनकी क्या गलती है, तो वो और लोग उन बच्चों को गोद ले सकते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड फर्स्ट पेरेंट्स, और उन्हीं लोगों को जो लोग गोद लेते हैं उन लोगों को हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। फॉस्टर पेरेंट्स मीन्स पालक माता पिता जो उनको पालें, उनको बड़ा करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उनकी शादी करें, उनको पढ़ लिख कर एक अच्छा
बेटर फ्यूचर दे उन्हें, एंड द चिल्ड्रन आर कॉल्ड अडॉप्टेड चिल्ड्रन। वो पेरेंट्स तो आपके फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं, और जो बच्चे गोद लिए जाते हैं वो अडॉप्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं। आप इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फॉस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, तो लेट्स क्लियर इट, इसको क्लियर कर लीजिए कि फॉस्टर पेरेंट्स मीन्स जो पेरेंट्स बच्चों को गोद लेते हैं, किन बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को, अनाथ बच्चों को, तो उन्हें हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। एंड द चिल्ड्रन आर कॉल्ड अडॉप्टेड चिल्ड्रन, और जिन बच्चों को गोद लिया जाता है वो गोद लिए बच्चे कहलाते हैं। सो अभी के लिए इतना आप रीड करें एक बार और उसको अच्छे से समझें। ओके बच्चों, बाय बाय।